ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम दीवा के नारायण नगर इलाके में, जहां पर एक रोहिणी नाम की 6 माह की बच्चे की पानी में भीगने की वजह से मौत हो गई है। पूरे इलाके में उस मौत को लेकर, यानी पूरे दीवा में कह सकते हैं कि उस बच्चे की मौत को लेकर एक सनसनी सी फैली हुई है और उस माँ बाप के ऊपर जो है गमों का पहाड़ टूट गया है। और उस बच्चे के माँ बाप जो है यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी बच्चे की मौत किस वजह से हुई थी। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार चौहान। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, एक लड़की था, 3 लड़का था। लड़की का तो जो लड़की की आपका डेथ हुआ है, उस लड़की की 6 महीने उम्र बताई जा रही है, क्या भीगने के वजह से उसकी डेथ हुई? भीगने के वजह से हो गया था, पानी में भीगने की वजह से। उसको इधर इधर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया तो कुछ सुविधा नहीं हुआ, तो फिर सरकारी में लेके जाने से पहले पहले उसने दम तोड़ दिया। स्टेशन पर उसने दम तोड़ दिया लड़की ने। आपको अभी तक कोई भी यहाँ का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आया है यहाँ पर? पहले तो नहीं आया था, आप कुछ दिन पहले दादा आए थे तो इन्होंने जो मदद की है लड़की को मेरे दफनाने अपनाने के लिए, बाकी कोई ऐसा हेल्प नहीं किया। आप लोग जब यहाँ पर फंसे हुए थे, पानी भरा था, तो किस तरह से लोगों को आपको यहाँ से निकाला गया? क्या आए थे शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को निकालने के लिए? यहाँ से कोई नहीं आए, जो आजू बाजू के चाल वाले उन्होंने मदद करने के लिए आए थे, बाकी कोई मदद के लिए नहीं आए थे। जो अपने आजू बाजू वाले चाल वाले वही मदद करने आए थे, बाकी कोई नहीं आया था मदद करने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो बच्ची के पिता हैं उनका कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने इनकी मदद की थी, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से इन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। फिलहाल जो उस बच्चे की माँ है जिसने एक बच्चे को खो दिया है, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी बच्ची की डेथ हो चुकी है, किस तरह से आपकी बच्ची थी, किस तरह से लापरवाही बरती गई? बहुत अच्छी थी बच्ची, कुछ दिन बाद भी तबीयत खराब है पानी की वजह से, बारिश में इधर भाग दौड़ी कर दवा खाना, डॉक्टर चेंज किए बार बार, दो दो तीन तीन डॉक्टर, फिर बाद में मेडिकल लेके गए इधर कलवा मेडिकल, दवा खाना लेके गए थे बड़ा दवा खाना इधर, मगर स्टेशन की उधर दम तोड़ दी बच्ची। बाजू वाले भैया लोगों ने, आजू बाजू के लोग, 40 के लोग सब एकजुट होकर एक दूसरे को निकाले थे पानी से बाहर। कोई आया नहीं था बाहर की? नहीं, कोई नहीं आया था। इधर की 40 के लोग और आगे 40 की बाहर की, जितनी 40 है सब मिल बैठ के सब आपस में निकाले थे इन लोग ने, सब भाई लोग सब निकाले थे, भाई लोग बड़े बड़े उम्र के लोग। आप लोगों ने उस बच्ची को यहाँ से बाहर निकाला था उस समय, तो कैसा उसका पोजीशन था, क्या कंडीशन था? तब उसको मतलब इतना कुछ ऐसा नॉर्मल था, वो इतना कुछ हुआ नहीं था उसको, तो हम लोग ने एकदम पानी से मतलब जैसे अभी बाहर निकाल रहे तो बारिश चालू था, तो बारिश की वजह से अभी कपड़ा जैसे छतरी वितरी किसके पास नहीं था, इमरजेंसी में सब निकल रहे थे घर से बाहर, घुटनों के यहाँ तक का पानी यहाँ पे था और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इतना पानी था, इतने पानी में से हम लोग ने औरत लोग, छोटे बच्चे लोग, बूढ़े लोग जो बीमार थे उनको कंधे में हम लोग बिठा के हम लोग यहाँ से एक जगह पे शिफ्ट बाहर लेके गए, या वहाँ पे बिल्डिंग में एक जगह पे शिफ्ट किए उनको। वो टाइम पे लड़की एकदम अच्छी थी, लड़की को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जाने का प्रॉब्लम नहीं था। फिर जैसे दूसरे जैसा बारिश पूरा पानी निकल गया तो हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए ये इनके पिताजी, तो वहाँ पे तुरंत शाम को लेके आए, लेके आने के बाद कुछ हुआ मतलब दवाई गोली दिए, फिर बाद में सुबह ज़्यादा हो गया तो यहाँ से वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, शिवाजी हॉस्पिटल कलवा में पड़ता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल कोई है ही नहीं दीवा में, गवर्नमेंट का कोई एक हॉस्पिटल नहीं है ना कोई है, कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लेके जाते समय वहाँ पे वो बच्चे का देहांत हो गया बीच में। किस तरह से यहाँ सिचुएशन थी और किस तरह से इन लोगों की जिसकी बच्ची का डेथ हुआ है, क्या अभी तक इन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक आमला अभी तक मिलने आया है, किसी भी तरह का इन्हें कुछ मदद पहुँचाई गई है या नहीं? नहीं, अभी तक तो देखिए कल सुबह की बात है ये सब हुई, उसके बाद मैंने हर सबको मैं मैसेज भेजा था, मेरे पास ऐसे व्हाट्सएप कुछ ग्रुप है उसमें सबको मैसेज भेजने के बाद भी ऐसे कोई भी लोक प्रतिनिधि या कोई आमदार साहब या कोई भी यहाँ पे मिलने नहीं आए हैं। उन लोगों ने आना चाहिए था अभी तक, अगर यही घटना किसी बड़े इंसान के या बड़े पैसे वाले इंसान के साथ में हो जाती तो यहाँ पर लाइन लग जाती थी, मगर आजकल ये है कि कोई गरीब है तो गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती। और मुझे एक मैं विनय दरखास्त करता हूँ कि इन लोगों ने आना चाहिए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपने जो है इस मैसेज को वायरल किया था, उन लोगों तक पहुँचाया था, यानी जानने के बावजूद? मैंने 2 बजे इनको मैसेज पहुँचाया था,
सबको भेजा था। मैंने खाली यहाँ के तो यहाँ का दफन जो दफन विधि जो बोलती है वो करने के लिए यहाँ पे कुछ जगह का तो व्यवस्था नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ के शैलेश पाटिल जी को बोला था नगर सेवक को, तो उन्होंने कोई हेल्प किया था वहाँ पे, उन्होंने देवा गाँव में बोले कि वहाँ लेके जाओ वहाँ करता हूँ। और भी किसी तरह का कोई किसी नहीं, बाकी तो कोई अभी तक भी कोई, देखिए कल की घटना है, कल से लगे अभी तक कोई भी नगर सेवक या कोई भी यहाँ पे मिले नहीं आया, उन लोगों ने आना चाहिए था। चलो वो नहीं आते तो जो महानगर पालिका है जो प्रशासन है उन लोगों ने यहाँ पे आके पूछताछ करना मांगता था, बाबा हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए करते हैं बोलना चाहिए था। 17 फरवरी 2017 को हमारे जो आज के आरोग्य मंत्री पालक मंत्री जी है उन्होंने मुमरा कॉलोनी के यहाँ पे जो सभा हुआ था उसमें बोला था कि मैं दीवा में आरोग्य हॉस्पिटल दूंगा, मैदान दूंगा। कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है मैदान, कहाँ है शौचालय, कुछ नहीं है। ये पूरे दीवा क्षेत्र में 4 से 5 लाख पब्लिक रहती मगर यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, एक हॉस्पिटल दे नहीं सकते। आज 3 साल होने को आया, चलो आपके पास जगह नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं अगर यहाँ पर हॉस्पिटल होता तो कहीं ना कहीं उस बच्ची का इलाज यहाँ हो सकता, पर ऑब्वियसली ये बच्चा बच जाता। क्योंकि आप यही सोचिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की वो नहीं जा सकते, एक बिगारी इंसान, बिगारी काम करने वाला, ₹2-400 कमाने वाला इंसान वो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या इलाज करेगा। थी और पानी भरा हुआ था तो खाली, ये सब खाड़ी का पानी था, गंदा पानी था काफ़ी, तो क्या यहाँ से पानी हटने के बाद शासन प्रशासन की तरफ से क्या मेडिकल कैंप दीवा में लगाए गए या नहीं? नहीं देखिए अभी कल से चालू हुआ है मेडिकल कैंप, वही शासन प्रशासन की उनकी भी गाड़ी घूम रही है। मैंने भी एक यस हॉस्पिटल जो हमारे प्रवीण महाजन जो अपने कुलदीप महाजन सर है उनके यहाँ पे चालू किया है, और ये जो कैंप मैंने 31 अगस्त तक रखा हूँ और टोटल फ्री रखा हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनके मासूम बच्ची का मौत हो चुका है और इलाके में भी काफ़ी हलचल मची हुई है इसको लेकर, क्योंकि उस बच्ची जो है मासूम बच्ची थी और 6 महीने उसकी उम्र थी और लगातार बारिश होने की वजह से, पानी होने की वजह से वो बच्ची भीगी हुई थी, जिसकी तबीयत ख़राब हुई, उसे बुखार हुआ और कल सुबह 5 बजे के वक्त उस बच्चे की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद अभी तक इन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं पहुंचाई गई और ना ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि इनसे मिलने आया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स।